नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देश की सियासत जातीय जनगणना को लेकर गरमाई हुई है। विपक्ष की पार्टियां जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है। इस बीच बिहार के सत्ताधारी दल भी अब जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई है। वहीं बीजेपी अब अकेला पड़ते दिख रही है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी एक साथ नजर आ रही है। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात किया था, और इसके बाद साफ साफ तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। केंद्र सरकार को बिहार सरकार प्रस्ताव भेजेगी एक बार फिर से। लेकिन इस बीच आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक चल रहा है दिल्ली में, और केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जेडीयू के कई सांसद साथ हैं, जेडीयू कई सांसदों ने इसको लेकर प्रस्ताव भी दिया है। लेकिन इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं केसी त्यागी, जरा आप उस अध्यक्षता में हुई जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शाम को 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पुणे रामचंद्र बाबू जी की अध्यक्षता में होगी। जो विषय यहाँ चर्चा में आए हैं और जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव होंगे, उसमें सबसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा जो NEET में जो 27% का आरक्षण OBC के लिए और 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए किया गया है, उसके लिए पार्टी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है, उसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है और सरकार से आग्रह किया है कि इसी की तर्ज पर और केंद्र सरकार में जिस तरह से व्यापक प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का हुआ है, उसी को मान कि जस्टिस रोहिणी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी प्रकाशित की जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों की संख्या का सही पता इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को इफेक्टिव बनाया जाए। नंबर 3, पार्टी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है और इससे फूड क्राइसिस भी पैदा होने की संभावना है, जिसमें साउथ एशिया भारत भी शामिल है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं और बिहार सरकार की तर्ज पर पीपल्स अवेकनिंग के प्रोग्राम भी चलाए जाने इसका हिस्सा होने चाहिए और किसी प्रकार की भी जबरन जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास इसके लिए आवश्यक नहीं है। और उसको 4 बजे के बाद मिलेंगे फिर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का यह बड़ा बयान कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ है बिहार में, और जातीय जनगणना के फैसले पर साफ साफ जेडीयू ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात कही, अब बिहार में साफ हो गया है कि जेडीयू इस मुद्दे को लेकर भी आरजेडी के साथ है। बिहार में योगी मॉडल लागू नहीं होगा। आप टुडे बिहार के साथ बने रहें, धन्यवाद।